नमस्कार, मैं सुशील कुमार अर्थ प्रकाश न्यूज से। कानून और नियमों का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए, इसीलिए आज हम खड़े हैं सेक्टर 43 की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पे। सरकार ने कुछ नए नियम कानून में परिवर्तन लाए हैं, जिसके चलते हम आज यहाँ आए हैं और हम जुड़ चुके हैं इस वक्त क्रिमिनल एंड मैट्रिमोनियल लॉयर्स से सुनील पांडे जी से। आइए एक बार उनसे बात करते हैं और कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं। आज जुड़ चुके हैं एडवोकेट सुनील पांडे जो कि क्रिमिनल एंड मैट्रिमोनियल लॉयर हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या परिवर्तन आए हैं कानूनों में। नमस्कार सर। अभी डिजिटल मीडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और डिजिटल मीडिया में सरकार की कुछ इंटरफेरेंस जिसके चलते उन्होंने नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं, उसके बारे में सर आप जानकारी देंगे। बहुत बढ़ गया है, सोशल मीडिया का यूज़ बहुत बढ़ गया है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 53 करोड़ लोग जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। 44.8% जो यूज़ करते हैं आपका फेसबुक, और 41 करोड़ लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं यूट्यूब। ऐसे ही इंस्टा पे जो यूज़र्स की तादाद है वो 21 करोड़ है और 1.75 करोड़ जो हैं वो ट्विटर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है आज हर किसी के पास अपना एक चैनल है, अपना एक सोशल मीडिया है, अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो चीज़ें कहता है, बोलता है, शेयर करता है। पर हमारे पास अगर राइट टू स्पीच है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ड्यूटीज़ भी हैं कि हम क्या दे रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या शेयर कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी आपको नज़र रखनी चाहिए। इसी से जुड़े हुए कुछ कानून जो हैं वो हमारी सरकार ने अमेंड किए। कोई नया कानून नहीं लेके आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वहीं पर है। उन्होंने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इसमें क्या है कि जो कुछ नियम और रेगुलेशंस हैं वो लाए, जैसे सोशल मीडिया है, आप फेसबुक का यूज़ करते हैं तो उसमें दो बड़े तगड़े परिवर्तन लाए गए हैं। पहला परिवर्तन ये है कि आपके फेसबुक अकाउंट पर अगर कोई आपत्तिजनक फोटो आपने शेयर की, आपके चैनल पर अगर आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड की है जो आपत्तिजनक है, जिससे किसी महिला का जो कैरेक्टर है वो असैसिनेशन होता है या किसी देश की अखंडता या एकता पर कोई अंकुश लगता है, तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको हटाना। पहले ये 36 घंटे था, 2011 के अमेंडमेंट में 36 घंटे था, अब उसको हटा करके 24 घंटे कर दिया। इसके अलावा हर कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि वो सबसे पहला मैसेज किसने अपलोड किया। जो चीज़ वायरल होती है, वायरल होने के बाद कहीं से कहीं पहुँच जाती है, उसको कहते हैं ओरिजिनल, और ओरिजिनल ओरिजिनेटर कहा जाएगा या फर्स्ट ओरिजिनेटर कहा जाएगा। तो जहाँ से ये फ़ोटो अपलोड हुई है ये कंपनी को बताना पड़ेगा सरकार। अगर कहीं पर भी किसी की भी लापरवाही पाई जाती है या कोई भी ऐसा साइन मिलता है या ऐसा अंदेशा होता है कहीं ना कहीं गलती हुई है, लापरवाही हुई है और किसी भी तरह का नुकसान होता है किसी की इमेज को, खासतौर पर औरतों की या देश की अखंडता एकता, उसको 5 साल की सजा का प्रावधान है। चैनल बनाते हैं, लोगों से न्यूज़ कवर करते हैं, तो उसमें क्या हुआ है कि प्रेस काउंसिल ऑफ मीडिया के जो नॉर्म्स हैं, जर्नलिस्टिक और टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, उनको फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आमतौर पर न्यूज़ चैनल वाले फॉलो करते हैं। तो अगर आपका कोई प्राइवेट न्यूज़ चैनल या प्लेटफॉर्म है तो आपको भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं, एथिक्स हैं, जर्नलिस्टिक और टेलीविज़न नेटवर्क, उनको आपको फॉलो करना। सर एक चीज़ देखी गई है, आजकल वेब सीरीज़ का बहुत चलन है OTT प्लेटफॉर्म पे, तो OTT प्लेटफॉर्म में ऐसी बड़ी चीज़ें दिखाई जा रही है जिसके प्रति सरकार ने अभी एक्शन लिया है, तो सर क्या वो नियम है जो जिसके प्रति सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पे नियम लिया है? जी, OTT पर बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जो कम एज के और वो ऐसी वेब सीरीज़ देखते हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, और जो चेंजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सरकार ने किए हैं उसमें सोशल मीडिया, आपका न्यूज़ चैनल और OTT ओवर द टॉप, इनको भी इंक्लूड किया गया है। इन्हीं तीनों पर रेगुलेशन है। OTT में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि देखने लायक नहीं है, तो सरकार ने क्या किया है कि ये पक्का किया है, ये इंश्योर किया है कि आप जो भी चीज़ दिखा रहे हैं उसको एज वाई कंटेंट में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी जो है उसको यू सर्टिफिकेट दिया गया, मतलब यू रखा गया है, ये हर किसी एज ग्रुप के लिए है, मतलब हर कोई इसको देख सकता है। सेकेंड आएगा UA7 कैटेगरी है, जिसमें 7 साल के जो बच्चे हैं, 7 साल की उम्र तक के बच्चे ही इसको देख सकते हैं, उससे ज़्यादा उम्र के नहीं। फिर आता है UA13 है 13 साल तक के बच्चों के लिए, या 13 साल तक के जो एज ग्रुप है वही है। इसमें एक बड़ा खास चीज़ है, पेरेंटल लॉक रखा गया है ताकि पेरेंट्स ये इंश्योर कर सकें कि उनके बच्चे क्या देखें। फिर आता है UA16
कैटेगरी की कंटेंट हैं उसमें जो है वो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है। 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए भी ये खास ध्यान रखा गया है कि आप कौन सी चीज़ों को वायरल कर रहे हैं या कौन सी वेब सीरीज आप दिखा रहे हैं उसमें भी खास ध्यान रखा गया है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ नहीं दिखाई जानी चाहिए, सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म वालों को ये बोला हुआ है कि आप इसका ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखाई जाए जो कि फूहड़ तरह से हो। ये Amazon और G5 ऐसे हैं वेब सीरीज प्लेटफॉर्म जो इनको फॉलो करते हैं। नेटफ्लिक्स ने भी ऐसा कोई पेरेंटल लॉक भी नहीं लगाया हुआ है, तो धीरे धीरे उनको रेगुलाइज किया जा रहा है। तो ये 5 कैटेगरी में OTT को डिवाइड किया गया, उस पर खास तौर पर फूहड़ता पर नज़र रखी जाए, कोई ऐसी चीज़ ना दिखाई जाए जो कि देखने लायक ना हो बच्चों के लिए किसी के लिए भी, उस पर खास रेगुलेशन दिया। अभी कोई रूल्स कड़े नहीं किए गए हैं पर एक रेगुलेशन बनाया गया है जिससे ये होगा कि आप OTT या वेब सीरीज में क्या देख रहे हैं उस पर। तीनों के खिलाफ सरकार है, सॉरी फार्मर लोग हैं, किसान लोग, और सरकार चाहती है कि किसानों की बात करें। ये तीन तरह के बिल हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्शियल बिल, फार्मर एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस, और आखिरी है फार्म सर्विस बिल। तो जो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी कह लीजिए या जो आपस में उनके कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं वो ये है कि पहले क्या होता था, जो किसान होते थे उनके पास ना एक मंडी होती थी, लोकल मार्केट जहाँ वो जाते थे बेचने के लिए। तो APMC जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसको रेगुलेट करती थी, इसके द्वारा ये चलाई जाती थी, मंडी कह लें या लोकल मार्केट कह लें। वहाँ पर 7,000 लाइसेंसी मिडिल मैन होते थे, वो उनसे प्रोड्यूस ले करके आगे जो बड़े रिटेलर होते थे उनको बेचते थे। तो सरकार का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सरकार ये कह रही है कि हमने मिडिल मैन को हटा दिया, उन मिडिल मैन को हटाने के बाद अब आप डायरेक्ट बेच सकते हैं प्रोड्यूस रिटेलर या जो लार्ज बायर है या एक्सपोर्टर है। अब इसमें किसानों को जो डर है वो ये है कि उनकी जो परचेजिंग पावर है, सॉरी सेलिंग पावर, जो परचेजिंग पावर होती है वो कम है, उससे बार्गेनिंग पावर जो है किसानों की कम है। हमारे देश में 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, तो ऐसे किसानों के पास बार्गेनिंग पावर कहाँ होगी? इतने बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं या बायर हैं या इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी, क्योंकि पहले वो मिडिल मैन के साथ अपनी तरीके से बात करके चीज़ों को बेच देते हैं। अब क्या है कि डायरेक्ट जो एक्सपोर्टर लार्ज बायर आ जाएंगे उनके पास उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं ये इस बिल से थोड़ा सा डरे हुए। इसके अलावा इसमें ये भी है कि जो मंडीज होती थी वो मंडीज उनके घर के आसपास भी हो सकती है, जो नियरेस्ट मार्केट होती है। अब एक और प्रॉब्लम इसमें आती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ सकती है, स्टोरेज कॉस्ट पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं सेलिंग जो कॉस्ट होती है इसको रेगुलराइज होना ज़रूरी है। इसीलिए किसान इन बिल के अगेंस्ट हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जो किसान है उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं रह जाएगी अगर वो बड़े बड़े एक्सपोर्टर के साथ डील करने के लिए डायरेक्टली ओपन मार्केट में जाते हैं। मिडल मैन सपोर्ट कर रहा है तो क्या इसका असर मिडल मैन पे भी पड़ेगा, जो आम जैसे आम लोग हैं जो डेली का कमाते खाते हैं, तो उन पे क्या असर इसका जाएगा MSP आने से? MSP मैं बता दूँ आपको कि ऐसा प्राइस है जो सरकार गारंटी देती है फार्मर, तो इट्स प्राइस गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या है, जो आपका दूसरा बिल है एग्रीकल्चर वाला जिसमें फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस है, उसमें एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि जो एग्री फार्म एक्सपोर्टर हों या लार्ज बायर हों उनके साथ फार्मर लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिसमें प्री एग्रीड प्राइस पर ही उनको प्रोड्यूस पैदा करना है या प्रोड्यूस को बेचना है। तो उनको जो फार्मिंग करनी है, जो एग्रीकल्चर करना है, वो प्री एग्रीड प्राइस पर ही उनको अपने प्रोड्यूस को पैदा करना है या बनाना है या उनको बेचना है। तो ऐसे में किसानों को इसका डर सबसे ज़्यादा डर रहे हैं कि MSP कहीं ना खत्म हो। हालांकि एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ MSP को हटाने की बात, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको श्योर कर दिया, पर फिर भी अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं किसान, तो उनका डर ये है कि अगर हम प्री एग्रीड प्राइस पर ही प्रोड्यूस पैदा करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को MSP ना मिलेगी या MSP खत्म हो जाएगी, ये डर उनके मानते हैं। MSP एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि सूखे के दौरान और अगर कोई बाढ़ आ जाती है तो अगर उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो ये MSP सपोर्ट करता है अपने जीवन निर्वाह। तो ये MSP है, इसका असर फार्मर पे पड़ता है। और अगर मान लीजिए कल को MSP हटा के दी गई या MSP नहीं हटती है, अगर कहीं जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो लार्ज बायर हैं, बढ़े हुए दाम पर खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के जो मिडल मैन है उनको भी बड़े हुए दाम पर ही अनाज मिले, पॉसिबिलिटी है प्रोड्यूस पैदा करना है या प्रोड्यूस को बेचना है।
तो उनको जो फार्मिंग करनी है, जो एग्रीकल्चर करना है, वो प्री एग्रीड प्राइस पर ही उनको अपने प्रोड्यूस को पैदा करना है या बनाना है या उनको बेचना है। तो ऐसे में किसानों को इसका डर सबसे ज़्यादा डर रहे हैं कि MSP कहीं ना खत्म हो। हालांकि एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ MSP को हटाने की बात, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको श्योर कर दिया। पर फिर भी अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं किसान, तो उनका डर ये है कि अगर हम प्री एग्रीड प्राइस पर ही प्रोड्यूस पैदा करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को MSP ना मिलेगी या MSP खत्म हो जाएगी, ये डर उनके मन। MSP एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि सूखे के दौरान और अगर कोई बाढ़ आ जाती है, तो अगर उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो ये MSP उनको सपोर्ट करता है अपने जीवन निर्वाह। तो ये MSP है, इसका असर फार्मर पे पड़ता है। और अगर मान लीजिए कल को MSP हटा के दे दीजिए या MSP नहीं हटती है, अगर कहीं जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो लार्ज बायर हैं, बढ़े हुए दाम पर खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के जो मिडल मैन है उनको भी बड़े हुए दाम पर ही अनाज मिले, पॉसिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिसमें प्री एग्रीड प्राइस पर ही उनको प्रोड्यूस पैदा करना है या प्रोड्यूस को बेचना है। तो उनको जो फार्मिंग करनी है, जो एग्रीकल्चर करना है, वो प्री एग्रीड प्राइस पर ही उनको अपने प्रोड्यूस को पैदा करना है या बनाना है या उनको बेचना है। तो ऐसे में किसानों को इसका डर सबसे ज़्यादा डर रहे हैं कि MSP कहीं ना खत्म हो। हालांकि एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ MSP को हटाने की बात, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसको श्योर कर दिया। पर फिर भी अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं किसान, तो उनका डर ये है कि अगर हम प्री एग्रीड प्राइस पर ही प्रोड्यूस पैदा करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को MSP ना मिलेगी या MSP खत्म हो जाएगी, ये डर उनके मन। MSP एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि सूखे के दौरान और अगर कोई बाढ़ आ जाती है, तो अगर उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो ये MSP उनको सपोर्ट करता है अपने जीवन निर्वाह। तो ये MSP है, इसका असर फार्मर पे पड़ता है। और अगर मान लीजिए कल को MSP हटा के दे दीजिए या MSP नहीं हटती है, अगर कहीं जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो लार्ज बायर हैं, बढ़े हुए दाम पर खरीदते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के जो मिडल मैन है उनको भी बढ़े हुए दाम पर ही अनाज मिले, पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जुड़े थे एडवोकेट सुनील पांडे जी से, जिन्होंने हमें जागरूक किया महिला कानून के बारे में, डिजिटल मीडिया हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें भी बहुत सारे कानून है, प्रावधान है, जानकारी जरूरी है, इसलिए बताना भी जरूरी है। मैं सुशील कुमार, अर्थ प्रकाश न्यूज से, कैमरामैन अनिकेत राव के साथ। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन।